पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों की वो हालत है, आम आदमी का तो भगवान मालिक है फिर। अरे वो भूतनी थी मैडम, उसके लिए आम इंसान और पुलिस वाले में कोई फर्क नहीं है, सेम है सब उसके लिए, सब सेम। हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा उस भूतनी को जी। He is very horrible. Horrible. Yeah, this one. और सर आप? आप तो घने जो है भूत विशेषज्ञ हो रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में मर्तबानों में बंद कर रहे थे भूतों ने, इब क्या हो गया? कांप रहे बिल्कुल ही, चाय तक तो पीना जा रही। सबसे पहले बेहोश भी यही हुए थे मैडम। अबे क्या कह रहा हूँ मैं, हम बेहोश हुए थे डर के मारे। अबे वो क्या हुआ ना, मैं चौटाला कल हमारा उपवास था, तो उपवास में बड़ी कमजोरी आ जाती है हमें, तो हम कमजोरी के मारे बेहोश हो गए बस। और जो अभी बिल्कुल ही सूखे पत्ते की तरह से कांप रहे हैं, ठंड के मारे बिल्कुल ठिठुर गए, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? अम्मा कमजोरी मत छोड़ा ना, कमजोरी फिर हम खाते बहुत ज्यादा है, और एक दिन भी अगर ना खाए ना तो बड़े कमजोर हो जाते हैं। अगर कमजोर नहीं होते ना तो उस भूतनी को बोतल में बंद करके इस चौकी में लाते और फिर बहुत सुताई करते उसकी। फिलहाल हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ का माहौल हमें ठीक नहीं लग रहा, डरपोक सब डरे हुए लग रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम जाते हैं अपने कैबिन में आराम करने के लिए, बड़े कमजोर हो गए सच में। देखने में कैसी थी भूतनी? बिल्कुल भूतनी जैसी थी जी। अबे कैसी थी मतलब क्या पहना था उसने, लुक उसका कैसा था? ना बैसी हो रही थी जैसे डिस्क्राइब करी उसने परवल ने? अरे हाँ मैडम सेम, एकदम सेम, वही चूड़ीदार कुर्ता और आंखों पे चश्मा और हाथ में किताब, सेम। हाँ जी जी मम्मी जी, और उसने अपना नाम मौजिर का ही बताया था, दिस इज कंफर्ट कंफर्म या दिस वन। मैडम हम जैसे वहां पहुंचे वो हमारे करीब आई और करीब आके बोली मंजुलिका। '1975 का बैच मंजुलिका, रिकॉर्ड अफसर ने बुलाओ और बोलो अपने रिकॉर्ड साथ लेकर आए। आइए आइए बोलो हिम। दादाजी ऐनक उतारो। है जी? है जी है जी, कुछ नहीं उतारो, फाइलें पकड़ी है मैंने भाई। अरे बेल्ट बाद में ठीक कर लेना, उतारो। चौकी आ गई। वेल मॉम शीज रिकॉर्ड ऑफिसर इज द, पानी गर्म करने के लिए चाहिए होता है गाजर इज द गीजर। या दिस वन। हाँ भाई जनाब, आप हैं मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड ऑफिसर, जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं, क्या नाम है परबल और क्या नाम है बिस्कुट और तीसरे का क्या नाम है भड़कू। जी मैडम, भरता बना के। क्या भरता बना के? मतलब यार किस चीज का भरता बनाते हो तुम, आलू का या बैंगन का? नहीं, क्योंकि अगर आलू का भरता बनाते हो ना तो उसके ऊपर हरा धनिया जरूर डालना चाहिए, और अगर बैंगन का भरता बनाते हो तो उसको तो लहसुन की चटनी के साथ खाने में जो मजा है यार। तू बैंगन के भरते का बीज बन के ना उसमें बैठ जा, तू लाल मिर्च बन जा, उसमें तड़का डाल ले, तू लहसुन की चटनी में बटर स्पोर्ट कर ले, स्लाइडिंग कर पानी में, मल ले चटनी, मल के नहा ले तू। सॉरी वो भरता मेरी कमजोरी है मैडम, सॉरी। वो What is the name is the, कानपुर में होता है ट्रैफिक जैम is the। हैं? अरे मैडम हमारा नाम है तौहीन तिवारी, भरता बना के। तौहीन ये नाम रखा है थारे पेरेंट्स ने थारा? नहीं मैडम, मैंने खुद रखा है शादी के बाद भरता बना के। तो शादी के पहले क्या नाम था? अपमान। अरे नहीं नहीं, शादी के पहले तो हमारा नाम था सम्मान, लेकिन शादी के बाद बीवी ने भर भर के की तोहीन, चाहे बजा हो एक दो या तीन भट्टा बना के। अबे ओ थारी बीवी के संग थारी केमिस्ट्री और घर की जो है पारिवारिक प्रॉब्लम्स जानने के लिए हमने आना बुलाया तेने, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कानूनी हैं वो जानने के लिए बुलाया है। जी मैडम बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ भर्ता बना के?
मन्ने यो बता कि 1975 के बैच में कितने स्टूडेंट पढ़ते थे तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में? अभी बताता हूँ, रिकॉर्ड लेके चलता हूँ ना। दादाजी फाइल पकड़ी, अब पकड़िए पकड़िए जल्दी, अरे सारी पकड़िए। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ मैडम, 155। इन 155 स्टूडेंट्स में कोई मंजूली का नाम की छोरी थी? आई थिंक ही इज डेड। मिस्टर तौहीन, मिस्टर तौहीन, मिस्टर, ओ कके, उठो। अरे अरे, आपने किसका नाम ले दिया? देखा देखा मैडम, देखा आपने, मौनजुलिका का नाम सुन के कितना डर गए ये। डर गया? अरे उससे मैं रोज डरता हूँ भरता बना के। ओ माय गॉड, तुम मुझे रोज देखते हो? अरे सुबह उठते ही उसका मुंह देखता हूँ और सोता भी उसका मुंह देख के हूँ भरता बना के। एक चुड़ैल का मुंह रोज? एक मिनट, तो मुझे चुड़ैल लगती है ये बात तो समझ में आती है, पर आपको चुड़ैल क्यों लगती है? क्योंकि वो चुड़ैल है। एक मिनट, चुप हो लो तुम दोनों। भाई तू खुल के बोल ले, हु इज मंजुलिका? अरे मैडम, मंजुलिका मेरी बीवी है। क्या तुमने चुड़ैल से शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है मैडम, एक इंसान एक भटकती आत्मा से शादी कर सकता है? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मेरी बीवी एक भटकती आत्मा? ओ या, ही इज गोस्टी। अरे एक मिनट, थाम रुक जाओ यार प्लीज। थारे हिसाब से मंजुलिका है, थारी बीबी का नाम है, यानी कि वो एक नॉर्मल वाइफ, एक लेडीज है, मतलब मरी ना है वो, जिंदा है, भटकती आत्मा ना है वो, भटकती ना है मेडिकल कॉलेज में। अरे मैडम, मेडिकल कॉलेज में नहीं, वो तो मेरे घर में भटकती है सुबह शाम दोपहर, हर वक्त भटकती रहती है भरता बना के। एक मिनट, 1975 का बैच मेडिकल कॉलेज का है, उसमें एक स्टूडेंट पढ़ती थी मंजुलिका है, वो सेम स्टूडेंट थारी मैसेज है अभी आज की तारीख में? हाँ मैडम, वो स्टूडेंट थी और था 1975 का बैच, जहां हम दोनों की आंखें हो रही थी मैच। फिर उसके बाद मैडम हमने शादी कर ली, तब से लेके आज तक उसने मुझे भरता बना के रखा है। अच्छा एक बात मन्ने और बता, ये 155 स्टूडेंट्स में और एक कोई लड़की थी जिसका नाम मंजुलिका था? नहीं नहीं मैडम, जब से ये कॉलेज बना है ना, तब से लेके आज तक मंजुलिका नाम की कोई और लड़की वहां नहीं आई। लेकिन मैडम ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? मेरी बीवी ने किया क्या है भरता बना के? नहीं, थारी बीवी ने कुछ ना करा, जिन्होंने करा है भरता तो ये उनका बनेगा। तू निकल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दादाजी ऐनक पहना दो, पहना पहना दो, वापस कर लो आंखों में ऐसे। थैंक यू। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है? अरे उस भटकती आत्मा वो मंजुलिका को हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ जी जी मम्मी जी, उसने अपना नाम भी मंजुलिका ही बताया था। तुम लोगों ने जिसे देखा है वो छोरी कोई और है। लेकिन मैडम फिर उसने अपना नाम मंजुलिका क्यों बताया? वही तो पता लगाना है। मंजुलिका आएगी, मंजुलिका आएगी, आएगी मंजुलिका आएगी और सबको खत्म कर देगी मेडिकल के महाभारत में मंजुलिका। देख रही है आप, देख रही है मैडम इनकी दीवानगी। अच्छा साड़ी कैसी है? मैडम अब आप ही फैसला करिए, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मंजुलिका कोई चुड़ैल है या फिर कोई बदमाश औरत है जो मेरे पति को प्यार के जाल में फंसा के उसे बौराया बिलौटा बना के घुमा रही है। अच्छा साड़ी कैसी है? ना आज रात उस मेडिकल कॉलेज में मैं खुद जाऊंगी।
कहा था मैडम, कितनी बार कहा था आपसे, मत जाइए मत जाइए, लेकिन आप किसी की सुनती कहाँ हैं? एक बार आप अपनी जिद पे आ जाती है तो आप एक नंबर की अड़ियल घोड़ी, जिदखोर लोमड़ी। अपनी हालत देखिए मैडम, आप तो मुझे रैप्टा तक नहीं मार पा रही हैं। पापू पापू एक्सक्यूज मी भाव। ओह माय गॉड, मॉम व्हाट इज योर एयर कंडीशन? कंडीशन या दिस वन? अबे घनी डरावनी भूतनी से वो। देखा मैडम, अब ये सब कुछ देखने के बाद आपको हमारी बातों पे यकीन आया ना? इंजेक्शन लगा के। अबे क्यों है परवल, क्यों परवल से कटहल होना चाह रहा है? अबे जान है तो जहान है, छोड़ दे ये मेडिकल डॉक्टर वाक्टर बनने के सपने। मत जाओ उस मेडिकल कॉलेज में, परचूनी की दुकान खोल ले कोई। परवल डार्लिंग, एक तरह से मैडम ठीक कह रही है। जरा सोचो, जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे मेडिकल का क्या, तुम अच्छे हाथ डालोगे? हाँ साड़ी कैसी है? और तुम दोनों भी बची के रहो, वरना तू भरी जवानी में और तू अधेड़ अवस्था में धो बैठोगे जिंदगी से हाथ। जी मैडम, हम लोग वैसे भी बहुत सावधान रहते हैं, वहाँ इंजेक्शन लगा के। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे यार क्यों भाटो? अरे चाय मैडम। बाय। चले चलो चलो। ओके मैडम, थैंक यू। ओके बाय। टेंशन मत ले। अच्छा अच्छा मैडम, फिर हम भी चलें? नहीं। क्या जरूरत थी मैडम, क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो जाता? मन्ने कोई ऐसी भूतनी पैदा ना हुई है अब तक जो हमारा बाल भी बांका कर सके, और वहां उस मेडिकल कॉलेज में कोई भूतनी है भी ना। मोंजुलिका नाम की एक ही लेडीज थी 1975 की मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट, जो आज की तारीख में रिकॉर्ड अफसर की बीवी यानी मैसेज है। उसका सिर्फ जो है नाम जो है ना मोंजुलिका, एक डरावना सा हॉरर टाइप मोंजुलिका नाम जो है स्केरी दिखे, इसलिए वो दोनों लौंडे इस नाम का फायदा उठा के एक गेम खेल रहे हैं। गेम की शुरुआत तो इन्होंने करी है, एंड मैं करूंगी। एक्सक्यूज मी मॉम, व्हाट द यू द सेइंग इज द? सुनो जरा, प्लानिंग। अरे ध्यान से। मान गया बिस्किट में तेरे खुराफाती दिमाग को। कॉलेज की लास्ट सीट उस परवल को मिल गई और मेरी पप्पी बगैर एडमिशन के रह गई। लेकिन क्या खेल खेला तूने, क्या खेल खेला कि वो परवल मारे डर के खुद ही अपना नाम कटवा के भाग गया। और अब वो सीट मिलेगी पप्पी को। yes. और पप्पी, तुमने भी मोंजुलिका बन के सबकी बैंड बजा दी इंजेक्शन लगा के। थैंक यू गाइस, अब तो मैं भी कल से तुम लोगों के साथ कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ, है ना? yes. 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 अब मजा आएगा। अरे असली मजा तो तब आया जब हमने उन सारे पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया, और खास तौर से वो चंद्रमुखी मैडम को। इंजेक्शन लगा के। अरे ये लाइट को क्या हो गया? इंजेक्शन लगा के। कोई नहीं, फ्यूज उड़ गया होगा। लाइट जला दूंगा। अरे ध्यान से। अरे वहाँ कोई है। वहाँ पे कौन है? क्या हो रहा है? डराओ मत।
कोई तो है, अरे कोई तो है। इंजेक्शन लगा के मंजुलिका, मंजुलिका, हाँ, 1975 बैच की स्टूडेंट, जिसका नाम लेकर तुम लोगों ने सबको डराया और मेरा नाम बदनाम किया, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। और आज की रात तुम तीनों की जिंदगी की आखिरी रात होगी। नहीं, प्रिपेयर टू डाई। मंजुलिका दीदी, हमें माफ कर दो, हमें एहसास हो गया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये सब कुछ ना, हमने इस पप्पी को एडमिशन दिलाने के लिए किया था, इंजेक्शन लगा के। अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे, हम खुद अपना नाम यहाँ से कटवा के चले जाएंगे कॉलेज से। पप्पी, क्या जरूरत तुमको पढ़ने की? और क्या? नहीं, मत पढ़ो। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे। अरे तो यो भाई, खा गए ना झटका? अरे ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। Well, my best friend name is चड्डा इज़दा, you गिर गए, you're on गड्डा इज़दा। देख लो भाई, यो है तुम्हारी मंजुलिका। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ए जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। और तुम तीनों, अगर तुम्हारे कैरियर और तुम्हारे फ्यूचर का और तुम्हारे माँ बाप का ख्याल ना होता ना, तो तीनों को जेल में डाल के चक्की पिसवाती मैं ताउमर। आगे से ऐसा घिनौना मजाक या ऐसे घटिया जो है प्लान्स बनाए, लाइफ बर्बाद कर दूंगी। जी मैडम, हम कसम खाते हैं, हम कभी नहीं ऐसा करेंगे, इंजेक्शन लगा के। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सॉरी यार, सॉरी। ओ ऐसे नहीं, सॉरी बोलो, वो भी कान पकड़ के। सॉरी मैडम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।